तो मैं निकल चुकी हूँ नैनीताल की ओर, पर निकलने से पहले ही मैंने देख लिया अपने मोबाइल में ये मैसेज। जी हाँ, वेरी हैवी रेनफॉल एंड थंडर स्टॉर्म अलर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। तो बहुत सेफ रहना है और ट्रैवल नहीं करना है, और हाँ ये सब तो फॉलो करना चाहिए। बट लेकिन भाई, नैनीताल में नंदाष्टमी मेला का टाइम था और इसे मिस करना मतलब नो चांस। मैंने सोचा क्या होगा, थोड़ी बारिश ही तो होगी, छाता ले लेंगे। बट वहाँ पहुँच के पता लगा कि छाते वाली बारिश तो थी नहीं। एनीवेज, देखते हैं मेला लगा है या नहीं लगा है। बट नंदा देवी, सुनंदा देवी माता के दर्शन और नैनीताल की गर्मा गर्म चाय की चुस्की और पहाड़ों की हवा लेने तो चलते ही हैं। सो लेट्स गो गाइस, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। आई एम ग्रेसी वर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द दर्शन ऑफ नैना देवी मंदिर। सो बहुत सारी बारिश के डिस्टर्बेंस के बाद फाइनली मैं निकल रही हूँ नैनीताल के लिए। एंड आजकल लगा हुआ है नंदा देवी मेला, नंदाष्टमी थी कल, तो आज हम देखने जा रहे हैं मेला। होपफुली नैनीताल में बारिश ना हो रही हो तो अच्छा है। सो आई एम ऑल सेट, लेट्स गो। जोलीकोट से आगे आ चुके हैं बट बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और अब और तेज हो गई है। तो बारिश तो नहीं रुकी है पूरे रास्ते और अब और तेज होती जा रही है, जैसे नैनीताल के पास पहुंच रहे हैं। तो देखते हैं वहां जाके कैसे हम मेला घूमते हैं, कैसा हाल है मेले का, क्योंकि नैनीताल में भी कंटिन्यूसली कल से बारिश हो रही है और हाई रेनफॉल अलर्ट भी है पूरे नैनीताल रीजन का। और मैं पहुंच चुकी हूँ नैनीताल, और बरसात के मौसम में क्या खूबसूरत बादलों से ढका होता है नैनीताल। बट आज काफ़ी कलरफुल लोगों से भी घिरा हुआ है, सब रेनकोट में दिख रहे हैं, तो आज थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है यहाँ पे वॉक करना। और मैंने नोटिस करा कि लेक के पानी का लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, रोड के लेवल पर ऑलमोस्ट पहुँच रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली बारिश हो रही है दो दिनों से। पूरे रास्ते कार पार्क्ड हैं, बहुत आगे आ चुके हैं हम मेले वाले ग्राउंड से, तो वहाँ कहीं भी नहीं है। इनसे पूछे मेला मंदिर गुरुद्वारा ये एरिया बोर्ड घूम के बिना रेनकोट के आए हुए लोग। इधर मार्केट है तो हम रेनकोट ले रहे हैं यहाँ से। ये यहाँ का नाला, बारिश बहुत तेज है तो हमने साइड कर रहे कि पहले कुछ खाते हैं, चाय पीते गरम गरम, क्योंकि हम लोग आधे भीग चुके थे। मतलब मैंने तो रेनकोट पहना है बट मम्मी का रेनकोट हमने अभी लिया है, और ये आदमी तो छाते में ही है। तो अभी हम लोग कुछ चाय पियेंगे और मैं सैंडविचेस बना के रही हूँ, वो खाएंगे फिर चलेंगे नैना देवी माता के दर्शन करने। हाँ, दर्शन करने आए थे लेकिन बारिश में परेशान कर दिया, रुक ही नहीं रही है बिल्कुल। नैनीताल की बारिश फेमस है, तो यहाँ पे से लगातार एक दो दिन तो होती है, तो हम उस टाइम पे आए हैं। और ये मैं वापस नहीं, राजेश्वरी फूड एंड तमांग मोमोज के सामने इस बार अपने चीज सैंडविचेस खाते हुए। क्यों, हाउ इज द सैंडविच बताओ मुझे। तो आज हम वेज मोमो खा रहे हैं क्योंकि हमें मंदिर जाना है।
17 है, feels like 16. Thunderstorm and heavy rain. जोरदार ठंडी बारिश, बहुत तेज बारिश हो रही है। दर्शन हो चुके हैं एंड नैना सुनंदा देव जी माता जी की बहुत प्यारी मूर्ति बनाई है, ये कंप्लीट हुई है 2 दिन पहले और कल यहाँ पे नंदाष्टमी थी और आज भी यहाँ पे पूजा जारी है और भंडारा हो रहा है और बहुत अच्छा सा रिलीजियस सा और पूजा पाठ वाला माहौल है, बट भीड़ कम है मौसम की वजह से। हाल है नैनीताल का बारिश में, तो मुझे तो बहुत ठंड लग रही है एंड अब जल्दी से मैं जाके कार में बैठूंगी, अपने शूज़ निकालूंगी क्योंकि शूज़ पूरे गीले हो चुके हैं, पहले भी बोला है फिर से बोल रही हूँ। अच्छे से रेनकोट लेके आए, फुटवेयर शूज़ ना पहन के आए, मैं फिर से शूज़ पहन आई हूँ। बट हाँ, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, ओवरऑल बहुत फाइनली हम दर्शन कर पाए नंदा माता। सॉक्स, स्वेटर और थोड़ी बहुत एक्सेसरीज और फुटवेयर, दिस इज ऑल। और इन्होंने बस बंद नहीं करी है, बाकी लोग तो उठा के चले गए हैं, क्योंकि ऐसा हाल हो रहा है, ऐसे में कोई कैसे ही आएगा। आई होप जल्दी बारिश हटे और लोग इतनी मेहनत से लगाए हुए मेले का थोड़ा लुत्फ उठा सके, एंजॉय करें, शॉपिंग करें, अच्छे से दर्शन कर सके। ये हो रहा है यहाँ पे नंदा देवी मेला का भंडारा, बहुत टेस्टी है भंडारे का खाना। ये आलू की सब्जी पूरी और बहुत टेस्टी हलवा। कैसा है बेटा? प्रसाद है, प्रसाद। So we are back, but बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, मुझे बहुत ठंड लग गई है। So we are heading back home.